समाजवादी पार्टी की सांसद और लोकसभा प्रत्याशी डिंपल यादव चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वो जगह जगह नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को पार्टी के प्रति जोड़ने का काम कर रही हैं। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने अपर्णा यादव की सीएम से मुलाकात के बाद मैनपुरी बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चर्चाओं पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, मैं क्षेत्र में हूँ और वह पहले भी मिली है और अब भी मिली है, तो कोई नई बात नहीं है। मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लोगों का सहयोग प्यार साथ मिल रहा है। वहीं जेडीयू ने इलेक्टोरल बॉन्ड के संबंध में बड़ा अजीब सा जवाब चुनाव आयोग को दिया है कि कोई लिफाफा हमारे दफ्तर में छोड़ा गया था, खोला तो 10 करोड़ की बॉन्ड निकले। जिस पर डिंपल यादव बोली, ये तो जेडीयू का मामला है और जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर की सच्चाई सामने आनी चाहिए, जो बीजेपी सरकार है, जो भी पार्टी जिन्होंने चंदा लिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम पहले लेकर के कौन आया था, सवाल तो इस बात को उठता है। मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। पर अगर बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में अगर मैनपुरी में उपस्थित है तो कैसी लाइन दिख रही है? मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग प्यार और साथ मिल रहा है। जेडीयू ने बड़ा अजीब सा बयान दिया है चुनाव इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेकर, उन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति आया था और मेरे कार्यालय में एक लिफाफा दे गया था और जब हमने उस लिफाफे को खोला तो 10 करोड़ का बॉन्ड निकला। ये तो जेडीयू का मामला है और जैसे कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो भाजपा सरकार है, जो भी पार्टी से जिन्होंने चंदा लिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम लेके कौन आया था, सबसे पहले सवाल तो इस बात का उठता है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में आने जाने का सिलसिला जारी है, बड़े बड़े नेता दल बदलने का काम कर रहे हैं। वहीं मैनपुरी सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही डिंपल यादव अपने चुनावी क्षेत्र में सक्रिय हैं। वो लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं और चुनाव प्रचार में भी जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।